बनाएंगे। पैन में एक टेबलस्पून तेल डालेंगे, एक टेबलस्पून घी डालेंगे, दो प्याज बारीक चॉप करके लिया है, एक कप जितना है ये डालेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन सौते कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, हाफ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे, हाफ टेबल स्पून जिंजर पेस्ट डालेंगे, एक मिनट सौते कर लेंगे। प्याज को हमने मीडियम आंच पे ब्राउन होने तक सौते कर लिया है। चार मीडियम साइज के टमाटर बारीक चॉप करके लिए हैं, ये डाल देंगे। एक मिनट टमाटर को सौते कर लेंगे। एक दूसरे गैस पे हम चारकोल को जलाने के लिए रख देंगे। एक टेबलस्पून रेड चिली पेस्ट डालेंगे। कश्मीरी अखा लाल मिर्चा को गर्म पानी में भिगो के पेस्ट बना लिया है, ये डाला है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पेस्ट के बदले में कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून पंजाबी गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। मसाला मीडियम आंच पे सौते कर लेना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक हम सौते करेंगे। मसाला सौते हो गया है। 2 कप स्वीट कॉर्न को हमने बॉईल कर लिया है, ये डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। एक कप पानी डालेंगे। ये हमने काजू और मगजतरी सीड्स का पेस्ट बना लिया है। इसमें हमने 15 काजू और 1 टेबलस्पून मगजतरी का सीड्स आधा घंटा पानी में भिगो के रखा था और उसका पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। सब्जी में एक बॉईल आए तब तक हम कुक करेंगे। ढक्कन लगा के एक मिनट कुक करेंगे। एक मिनट ढक्कन लगा के कुक कर लिया है सब्जी को। टू टेबलस्पून ग्रेटेड पनीर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून मावा डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून शुगर डालेंगे, ऑप्शनल है। मिक्स कर लेंगे। हमने कैबेज का एक पान लिया है, ये जलाया हुआ चारकोल हम ले लेंगे। अंदर चारकोल रख देंगे, पान के ऊपर रखना है चारकोल को। इसके ऊपर 1 चम्मच घी डालेंगे और तुरंत ही ढक्कन लगा देंगे।
और 2 मिनट रखेंगे। 2 मिनट हो गया है, अभी ढक्कन हटा लेंगे हम, चारकोल निकाल लेंगे, केबेज का पान भी निकाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। एक टेबलस्पून चीज ग्रेट करेंगे। मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। मिक्स करके गैस ऑफ करते हैं। सब्जी रेडी है। सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल के ऊपर चीज ग्रेट करना है।